अमित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। एक दिन उसका दोस्त उसे मिलने आया और हालचाल पूछते हुए अमित की सैलरी पूछी। अमित ने कहा 10,000। तो अमित के दोस्त ने कहा बस 10,000? अरे इतनी सैलरी में होता क्या है आज के जमाने में? तू इतना मेहनती है, तेरा बॉस तो उसे इतने सारे काम करवाता है और देता क्या है, बस 10,000? भाई तुझे पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है और तू अभी भी 10,000 पे ही अटका हुआ है। जाने अनजाने में उस दोस्त ने अमित के मन में असंतोष का बीज बो दिया। उस दिन के बाद से अमित का काम में मन लगना बंद हो गया। हमेशा उसके मन में यही विचार चलते रहते थे कि मैं गलत जॉब में हूँ, मैं गलत जगह पर हूँ, मेरी सैलरी कम है और मुझे अपनी मेहनत से कम पैसा मिल रहा है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। एक दिन अमित ने अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात की तो बॉस ने मना कर दिया। गुस्से में आकर अमित ने जॉब छोड़ दी। अमित बेरोजगार हो गया। पहले तो उसके पास एक नौकरी भी थी, अब वो भी नहीं है। क्या तुम्हारे पति ने तुमको गिफ्ट नहीं दिया? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? इतनी कम सैलरी, वेकेशन पर कहां गए थे? जाने अनजाने कोई ना कोई हमको ऐसी बात जरूर बोलता है जिसके परिणाम हमारे लिए अच्छे नहीं होते। असंतुष्टि एक जहर है जो हमको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और ये तब जन्म लेती है जब आप दूसरों के पास क्या है, दूसरे के पार्टनर ने क्या किया, दूसरे की सैलरी कितनी है, इन सब से खुद को कंपेयर करते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे इस तरह की बातें करता है तो आज ही उससे दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपके मन में जहर का बीज बो रहा है जिसका नुकसान केवल आपको उठाना पड़ेगा। हो सकता है वो अनजाने में ऐसी बात कह रहा हो लेकिन नुकसान आपको ही होना है। और अगर आप उनमें से एक हैं जो जाने अनजाने में ऐसी बात कह जाते हैं तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, किसी से कुछ भी कहते समय दो बार जरूर सोचें कि उस बात का परिणाम क्या हो सकता है। सोशल मीडिया ने भी न जाने कितने रिश्तों में जहर घोल रखा है, जहाँ सब अपनी परफेक्ट लाइफ और परफेक्ट पार्टनर के फोटोज की प्रदर्शनी लगाकर बैठे हैं, दूसरों को ये दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट चल रही है। घरेलू झगड़ों की मुख्य वजह है अपेक्षा, एक ऐसे परफेक्ट लाइफ की, एक ऐसे परफेक्ट पार्टनर की अपेक्षा जो आपके मन में इस सोशल मीडिया और इस इंटरनेट ने बना दी है। हम सपनों की दुनिया में जीना पसंद कर रहे हैं। हमें ऐसी दुनिया चाहिए जो एकदम परफेक्ट हो, हमारा जीवन साथी एकदम परफेक्ट हो, और हकीकत की में ये संभव नहीं है। और जब हमको अपने लाइफ पार्टनर में कमियां दिखती हैं, जब हमको अपनी लाइफ में कमियां दिखती हैं, जब हमको अपनी नौकरी में कमियां दिखती हैं, तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, काम में मन लगना बंद हो जाता है, रिश्तों में दरार आ जाती है। स्वयं विचार कीजिए, क्या अपेक्षा ही सारी मुसीबत की जड़ नहीं है? जब तक आप दूसरों की तरफ देखते रहेंगे ना आपको जीवन में सफलता मिलेगी और ना ही रिश्तों में सफलता मिलेगी। इरादों में भर दो इतनी जान कि हर कामयाबी मंजूर हो जाए, हौसले हो इतने बुलंद कि जिंदगी से लफ्ज़े शिकस्त दूर हो जाए। जिंदगी कहां मिलती है दोबारा, यहां जियो जिंदगी इस शान से कि बड़े से बड़ा तूफान भी झुकने के लिए मजबूर हो जाए। इस वीडियो में मैंने जो आपको बातें बताई हैं उन पर स्वयं विचार कीजिएगा। चलता हूं, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे, मन की आवाज में। ऑडियो जंगल।